में हमेशा यही रहते हैं कि कभी तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी मेरा काम बहुत खराब हो जाता है, मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, अप डाउन सी जिंदगी रहती है ऐसे ऐसे करते रहते। तो ये अगर आपका रहेगा तो आपकी लाइफ हमेशा स्टेबल रहेगी। ओवरहेड वाटर टैंक, जो पानी की ऊपर की टंकी होती है ना, छत पे जो रखी जाती है, छत वाली टंकी होती है, उसके लिए बेस्ट प्लेस होती है। अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये आपको बहुत सपोर्ट करना शुरू हो जाती है। कैश बॉक्स, आपका जो वैल्यूएबल का लॉकर रहता है, कैश बॉक्स रहता है, वो अगर यहाँ पे आप रखते हो तो यहाँ पे रखी हुई जो चीज़ होती है वो आपकी, जो भी आप रखते हो यहाँ पे, वो एक तो स्टेबल रहती है, दूसरे खास बात क्या होती है कि वो कैश बॉक्स में वो आपके आने के रास्ते बना देता है। इट अट्रैक्ट्स मनी, स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी, आपका कैश है, आपकी ज्वेलरी है, वैल्यूएबल्स है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर है, वो भी हमारे एसटी होते हैं ना, ठीक है, वो अगर आप इधर रखते हो तो आप देखते हो यहाँ रखने का बरकत शुरू होती है, आपके आने के रास्ते बनते चले जाते हैं, ठीक है, पैसा आना शुरू हो जाता है। और वास्तु में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉर माई पास्ट 20 ईयर एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग टू यू, वास्तु में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और इमीडिएट रिजल्ट जो आते हैं वो आपके मनी के आते हैं, कैश बॉक्स में। पैसे का अगर आप सही जगह पर रख देते हो तो आपके आपको उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, गलत जगह पर रखोगे तो बुरे और सही जगह पर रखोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू, ठीक है। इमीडिएट रिजल्ट अगर आपको वास्तव में मिलते हैं तो मेरे हिसाब से कैश बॉक्स में मिलते हैं। इसको करने के बाद एक्चुअली आपको फील होना शुरू हो जाता है कि यहाँ रखने के बाद से क्या और यहाँ रखने के बाद से क्या इफेक्ट आ रहा है, एंड यू कैन ट्राई टेस्टिमोनियल बाय योर ओन सेल्फ। तो कैश बॉक्स अगर यहाँ रखते हो आपको बहुत फायदा होता है। अब हमें यहाँ पे क्या अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है साउथ वेस्ट में, जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो होता है गड्ढा, पिट, डाउन फ्लोर। अगर किसी का भी फ्लोर डाउन है, कोई खड्डा है, कोई पिट है, कुछ भी बना दिया, कुआं बना दिया, बोरिंग कर दिया, तो वो जीवन भर पनप नहीं पाएगा, पूरी लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस होने के चांसेस, पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि पूरी लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस है। मतलब इट कैन लीड टू सो मैनी थिंग्स ऑल्सो, आई डोंट वॉन्ट टू नेम देम, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, वो बहुत सारी चीज़ें करने में सक्षम होता है। लेकिन क्या है, कर्जे जो होते हैं ना लोगों के ऊपर, आप देखते हो कि लोन्स हो गए, लोन चुका नहीं पाए, नीलामी हो गई, ये सब चीज़ें जो होती है ना, या बंद हो जाती है, यूनिट्स बंद हो जाती हैं, या पीपल हैव टू सेल देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द लोन्स, व्हाटएवर इट इज, वो इसी वजह से। अगर यहाँ पे कोई भी गड्ढा है, कोई भी कुआं है, फर्श का लेवल अगर डाउन है, तो यानी कि यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए साउथ वेस्ट में आपको ये सब चीज़ों की प्लानिंग ऐसे करके रखनी चाहिए कि ये यहाँ पे कोई भी कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए। दूसरा, साउथ वेस्ट में अगर ब्लू कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, तो सब मामला खराब हो जाता है। अब भैया मतलब ब्लू कलर के, देखिए मैं तो ब्लू कलर की पेंटिंग भी नहीं लगा रहे थे, मतलब टू बी प्रिसाइज मैं तो ब्लू कलर की बेडशीट भी नहीं बिछा रहे थे, तो क्लाइंट को मना करता हूँ, डोंट इवन पुट ब्लू बेडशीट और ब्लू कलर और ब्लैक कलर और ग्रीन कलर इन द साउथ वेस्ट बेडरूम। आपको नहीं मालूम कलर साइंस इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन को खतरनाक रूप से प्रभावित करती है कलर साइंस। तो ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन कलर साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं होना चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट। आपको दिखता है किसी के घर में अगर ब्लू कलर के कर्टेंस है, सोफा रखा हुआ है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, जाके उसको चेंज करो, आप चेंज करो और 15-20 दिन महीने भर में आप उसका रिजल्ट देखना शुरू करो, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में क्या फ़र्क है। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो वो ग्लास पर हम सेपरेटली बात कर लेंगे मेरे रखने पर, ठीक है। तो साउथ वेस्ट को इस तरह ट्रीट करना चाहिए। अब क्या है, कहीं पर ऐसा लगता है जैसे बच्चे ज़िद्दी हैं, कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है ना, बच्चे बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, सुनते नहीं हैं, डोमिनेटिव हो रहे हैं, या कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, ज़िद्दी है,
तो यानी कि आपसे